MTV देखने और सुनने वाले नाजरीन की सलामती हो। मैं हूं आपकी होस्ट अमरीन यूसुफ और ये हमारे एपिसोड 3 है। इसका टॉपिक है शुक्रगुजारी। हम खुदावन के जिंदगी बख्श कलाम में से आज सीखेंगे खुदा के कलाम में क्या लिखा है शुक्रगुजारी किस तरह की करनी चाहिए और किस तरह की शुक्रगुजारी खुदा को पसंद है और किस तरह की शुक्रगुजारी करके हम आसमान के दरवाजे अपने लिए खुलवा सकते हैं। हम खुदा के जिंदगी बख्श कलाम में से पढ़ेंगे। पहला थसलुनीकियों उसका 5 बाब और उसकी 16 आयत। हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। आमीन। खुदा के कलाम में जो जिस तरह लिखा हुआ है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि खुदा ने इंसान को बनाया, आदम को बनाया, हवा को बनाया, ताकि हम उसकी शुक्रगुजारी करें, उसकी मदद सराही करें और उसके नाम को इज्जत और जलाल दें। खुदावन की लाजवाल मोहब्बत को याद करें, किस तरह खुदा ने अपने इकलौते बेटे को इस जहान में भेजा, फिर किस तरह उसके इकलौते बेटे ने अजियत से ही मार खाई कोड़ों से और किस तरह हम निजात पाए। ये खुदा की खास ब्लेसिंग है, खुदा का फजल है कि खुदा ने हमसे इतनी मोहब्बत रखी है कि उसने अपने इकलौते बेटे को बख्शा। और कलाम में लिखा है हर वक्त खुश रहो। इंसान दुख में हो, तकलीफ में हो, बीमारी में हो, उसे हर हाल में खुश रहना चाहिए, क्योंकि खुदा हमें इस बात की तंबीह करता है। और खुदा के कलाम में भी लिखा है बिला नागा दुआ। खुदा ने हमें हम अपनी इबादत के लिए बनाया है, तो खुदा के चुनिंदा लोग होते हुए, खुदा के बेटे बेटियां होते हुए हमें खुदा को अव्वल दर्जा देना चाहिए अपनी लाइफ में। और खुदा के बेटे की उन मुश्किलों, परेशानियों को, उन तकलीफों को हमेशा याद रखना चाहिए। हमारी ज़िंदगी में जब बीमारी आती है, हम अपना दिल छोड़ देते हैं, हम खुदा को भूल जाते हैं, खुदा से हम खुदा को आजमाते हैं कि खुदा हमें शिफा दे तो हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। खुदा हमारी कुर्बानियों को नहीं देखता, खुदा हमारे दिलों को देखता है, खुदा हमारे दिलों की शुक्रगुजारी चाहता है। खुदा नहीं चाहता कि हम उसके हुजूर देके दें और इस तरह की एक्टिविटीज़ करें, खुदा को ये चीज़ें नहीं पसंद। खुदा को पसंद है अपने सच्चे दिल से खुदा की शुक्रगुजारी करें, खुदा को अव्वल दर्जा दें, उसके बेटे को अहमियत दें, तब हमारी ज़िंदगी में जो खुदा हमें बरकत जारी करता है, तो खुदा की उन अल्लाही खजाने से जो हमारी बरकत पूरी होती हैं, हम खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा हमें कभी दुख में, तकलीफ में नहीं देख सकता। वो हमारा बाप है, अजली बाप है, तो किस तरह वो हमें दुख में, तकलीफ में देख सकता है। जब एज अ पेरेंट्स हम अपने बच्चों को मुश्किल में नहीं देख सकते, तो वो तो हमारा अजली बाप है, वो हमें कैसे देख सकते हैं। हमें ये माइंड से बात निकाल देनी चाहिए कि आजमाइशें, दुख, तकलीफ हमें खुदा देता है। बिल्कुल नहीं, खुदा हमें सुकून देता है, खुदा हमें रहाई देता है, खुदा हमें तसल्ली देता है, खुदा हमें हर चीज़ दुनिया की देता है, बशर्त के हमारा लगाव खुदा के साथ हो, हमारी जिंदगियां खुदावन के साथ जुड़ी हों, तो खुदा हमें कभी अकेला और तन्हा नहीं छोड़ता। और इसी तरह खुदा की जिंदगी बख्श कलाम में लिखा है हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। हम खुदा की ये मर्जी को हमने अव्वल दर्जा देना है, खुदा की मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है, ना कि अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी के मुताबिक। नहीं, हमें खुदा को अव्वल दर्जा देना है, खुदा को अहमियत देनी है, उसके बेटे को अहमियत देनी है, तो हमारी ज़िंदगियों में जो तकलीफ़ें हैं, कमज़ोरियाँ हैं, बीमारियाँ हैं, वो वाहद एक हस्ती है जो हमें शिफा दे सकती है, हमें हर मुश्किल तकलीफ से बचा सकती है। खुदा के कलाम में इसी तरह लिखा हुआ है, जबूर 100 में भी देखते हैं कि खुदा का दाऊद नबी खुदा को किस तरह शुक्रगुजारी करता है। दाऊद किस तरह दाऊद नबी खुदा के हजूर झुकता है, उसकी शुक्रगुजारी करता है, जिस हाल में भी खुदा ने उसको रखा उसकी शुक्रगुजारी करता है। खुदा के कलाम में इसी तरह लिखा हुआ है, तमाम कौमों में खुदा की शुक्रगुजारी करो, पूरे दिल से शुक्रगुजारी। खुदा कहता है पूरे दिल, यानी ये नहीं कि हमने अगर की चीज़ खुदा ने हमें दी है तो खुदा के हजूर दुनिया को दिखाने के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करें। हमें सच्चे दिल से खुदा की शुक्रगुजारी करनी है, उसको अव्वल दर्जा देना है, तो हमारी ज़िंदगियां हमेशा सुकून में रहेंगी, क्योंकि खुदा ने कहा है
कि मैं अपने बेटे को इस जहान में भेजूंगा ताकि ये दुनिया से निजात दुनिया निजात पाए, गुनाह जाता रहे और खुदा की शफकत हम पर होती रहे। ये खुदा की खास ब्लेसिंग है। खुदा के कलाम में लिखा है, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओगे तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। जब हम खुदा से मांगेंगे, खुदा से मिन्नत इल्तिजा करेंगे, क्योंकि खुदा तो अपने महबूब को नींद में ही दे देता है। खुदा की ये लाजवाल मोहब्बत देखिए आप, कि खुदा जो है कभी अपने बंदों को अकेला और तन्हा नहीं छोड़ता, वो अपने महबूब को नींद में ही दे देता है। वो सब जानता है कि हम उसके बच्चों को किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की कमी उनकी ज़िंदगी में। इंसान होते हुए हम बहुत तवक्कात बढ़ा लेते हैं, अपनी ख्वाहिशात को बढ़ा लेते हैं, लेकिन हम खुदा को टाइम नहीं देते, खुदा की शुक्रगुजारी नहीं करते। जिस तरह आप सब जानते हैं, खुदा के कलाम में भी लिखा हुआ है, शुक्रगुजारी हर हालत में हमें करनी चाहिए, क्योंकि खुदा को शुक्रगुजारी पसंद है। हम अपनी मिन्नतों इल्तिजाओं, अगर हम मिन्नतें मानते हैं तो फौरन हमें उस मन्नतों को पूरा करना चाहिए, खुदा की शुक्रगुजारी करनी चाहिए। और इसी तरह खुदा के कलाम में भी लिखा हुआ है, लूका 17 बाब और उसकी 11 से 19 आयत में लिखा हुआ है कि यीशु ने कितनी बार आपको बरकत दी और गवाही दी और शुक्रगुजारी। हम नहीं अंदाजा ले कि खुदा ने हमें कितनी बरकत दी, कितनी हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, बिल्कुल अंदाजा नहीं लगा सकते इस चीज का। ये खुदा की खास ब्लेसिंग हम पर, खुदा का फजल है। और खुदा यीशु मसीह में कलाम में जिस तरह लिखा है, अमाल 16 बाब उसकी 15 और 25 आयत अगर हम मुताले करें तो उसमें हम देखते हैं पलूस और सिलास के बारे में, किस तरह वो खुदा की शुक्रगुजारी करते थे, हमेशा खुदा की हमदो सना करते थे। तो ये खुदा की खास ब्लेसिंग, खुदा का फजल है कि खुदा ने उन पर हमेशा अपना हाथ रखा, कभी भी उनको मुश्किल परेशानी आई, खुदा ने उनको अपनी, उनका जो ईमान था खुदा पर बहुत मजबूत था। हमें ईमान में मजबूत होना चाहिए, ईमान की मजबूती हमारे अंदर होनी चाहिए तो हम खुदा के कलाम में मजीद बढ़ सकते हैं। इसी तरह दानियल 6 बाब उसकी 10 आयत में भी लिखा हुआ है कि आग की झलकती बट्टी उसमें जब पलूस और सिलास को डाला गया तो किस तरह खुदा ने उन पर अपना रहम किया और वो आग उनको छू तक नहीं पाई, और वो खुदा के कलाम को उन्होंने और खुदा के नाम को उन्होंने इस शुक्रगुजारी की, उनको खुदा को इज्जत दी क्योंकि खुदा ने अपना मुकद्दस हाथ उस पर रखा था। खुदावंत की खास ब्लेसिंग है, खुदा जो है हमें कभी अकेला और तन्हा नहीं छोड़ता है। बेशक हम इंसान होते हैं, खुदा को भूल जाते हैं, उसकी बरकत को भूल जाते हैं, खुदा का शुक्र है कि हम खुदा के ईमानदार लोगों में शामिल हैं। खुदा हमारे ईमान को देखता है, खुदा हमारे दिलों को देखता है, वो रंग रूप को नहीं देखता, शक्लों को नहीं देखता, खुदा हमारे दिलों को देखता है, हमारे जहन में क्या। शैतान हमेशा हमें दबाने की कोशिश करता है, वो नहीं चाहता कि हम खुदा के कलाम को पढ़ें, खुदा को अव्वल दर्जा दें, दुआ करें, रोजे रखें, वो उसको नहीं पसंद, उसको खुदा की शुक्रगुजारी नहीं पसंद, क्योंकि हम इंसान होते हुए शैतान के पीछे चलते हैं। लेकिन जब हम खुदा को अपनी ज़िंदगी में लाएंगे, दुआ करेंगे उससे, हमेशा उसके जेर साया रहेंगे, उसके हुक्मों के मुताबिक रहेंगे, तो हमारी ज़िंदगियां में हमारे ईमान की बढ़ोतरी होगी, हमारी ज़िंदगियों में कलाम के वसीला से हमें हमारी ज़िंदगियों में ग्रोथ हो, हमारा ईमान बढ़ेगा, और हम हर तरह की जो भी हम ख्वाहिश करेंगे खुदा हमारी उस ख्वाहिश को पूरा करेगा। और इसी तरह खुदावंत के कलाम में भी लिखा है, कुलसियों 2 बाब उसकी 6-7 आयत में भी लिखा है, मजबूत हो जा और खूब शुक्रगुजारी किया करो, शुक्रगुजारी किया करो। शुक्रगुजारी हमें करनी है, जिस हाल में भी हम हैं हम पर खुदा की शुक्रगुजारी करना फर्ज है। ये हमारी ज़िंदगी में जब हम इस चीज़ को फ़र्ज समझ लेंगे तो हमारी ज़िंदगियां कामयाब हो जाएंगी, क्योंकि खुदा के कलाम में भी लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने कहा है, मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए एक दूसरा मददगार भेजूंगा। जब हम खुदा को अपनी ज़िंदगी देंगे तो खुदा का पाक रूह, खुदा का दूसरा मददगार हमेशा हमारा हमें गाइड करेगा, हमें मुश्किल परेशानियों से बचाएगा, बुरी राह पर जाने से हमें रोकेगा। जब हम खुदा के साथ अटैच होंगे, जब हम खुदा के साथ अटैच नहीं होंगे तो खुदा हमारी ज़िंदगी में काम नहीं करेगा, हम बढ़ नहीं सकते, हम अपनी ज़िंदगी को संवार नहीं सकते, हम अपने बच्चों का अच्छा फ्यूचर नहीं देख सकते। खुदा के कलाम को बल दर्जा दे, ये जो कलाम है हमारे लिए ये अनमोल तोहफा है, अनमोल खजाना है, अगर हम इसको समझें तो।
खुदा की शुक्रगुजारी करें कि खुदा ने हमसे इतनी मोहब्बत की है, खुदा की उस लाजवाल मोहब्बत को याद करें। बेशक हम गुनहगार हैं और गुनाह डेली करते हैं, लेकिन खुदा हमसे ये चाहता है कि हम उससे तौबा करें, उसकी शुक्रगुजारी करें। खुदा हमसे इतनी मोहब्बत करता है, ये खुदा का शुक्र है, खुदा का खास फजल है कि खुदा हमसे मोहब्बत करता है, क्योंकि खुदा का जो कलाम है वो हमेशा हमें अच्छे तरीके से रहने की डिमांड करता है हमसे। और खुदा का जो कलाम है वो हमें ये बताता है किस तरह की दुआ हमें करनी चाहिए, किस तरह की शुक्रगुजारी खुदा के हजूर करनी चाहिए, किस तरह का खुदा को हमसे चाहता है खुदा के हम उसके लिए करें। खुदा चाहता है कि हम दिल से उसकी दुआ करें, उसको सिजदा करें, उसके हजूर झुकें, अपने गुनाहों का इकरार करें। जब हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं तो खुदा हमारी गलतियों खताओं को माफ़ करता है। और खुदा की ये मोहब्बत जो उसने अपने बेटे की सूरत में दिखाई, हमें सिर्फ और सिर्फ उसको अपने माइंड में रखना चाहिए कि खुदा जो है हमारी ज़िंदगी में अव्वल है। जब हम दिन का आगाज़ करते हैं खुदा की शुक्रगुजारी करें कि खुदा ने हमें ये दिन एक नया ज़िंदगी में बख्शा, खुदा ने हमारी सांसों को बहाल रखा, खुदा ने हमें जिस्म के अज़ा सही सलामत दिए। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी उसकी जब नेमतों को याद करते हैं तो उसकी नेमतें हम गिन नहीं सकते जो उसने हमारी ज़िंदगी में हमें दी हैं। ये खुदा का ख़ास फजल है। हम खुदा के हजूर मिन्नत करते हैं कि अगर हमारी ज़िंदगियां गुनाह में हैं तो खुदा के हजूर आ जाएं, खुदा से मिन्नत करें, खुदा से तौबा करें अपने गुनाहों की, तो खुदा हमें अपने सीने से लगाएगा, खुदा हमारी ज़िंदगियों को नजात देगा। क्योंकि खुदा ने कहा है कि तुम रूह और सच्चाई से मेरी परस्तिश करो। जब हम ऐसी परस्तिश करेंगे तो खुदा के उन परस्तारों में शामिल होंगे जो रूह और सच्चाई से आसमान पर खुदा की परस्तिश करते हैं, उसके फरिश्तों की फहरिस्त में होंगे। और जब आसमान पर हम जाएंगे तो हम खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे, उसकी हमद सना करेंगे, उसके गीत गाएंगे और उसको हालेलुया हालेलुया होशाना बोलेंगे। ये खुदा के वो लोग हैं जो खुदा को पढ़ेंगे, तो खुदा के हजूर खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम को पढ़ें, उस पर अमल करें। ये नहीं कि आपने खुदा के कलाम को सिर्फ पढ़ना है, खुदा के कलाम पर अमल करना है, उसको दूसरे तक शेयर करना है, ताकि खुदा के कलाम में जो चीज़ें जो लोग नहीं पढ़ सकते वो खुदा के कलाम को सुन सकें, खुदा के कलाम के वसीला से वो बरकत पा सकें, उनकी ज़िंदगियों में जो कमज़ोरियाँ उनको दूर कर सकें, खुदा को अपनी ज़िंदगी में अव्वल दर्जा दें। मेरा आज का जो टॉपिक है शुक्रगुजारी, शुक्रगुजारी हर हाल में खुदा की है। जिस हाल में भी आप हैं हमेशा खुदा को याद करें, उसकी शुक्रगुजारी करें, क्योंकि हम खुदा के बगैर कुछ नहीं, उसके बेटे के बगैर कुछ नहीं। बेशक हमारे पास दुनिया की मालो इशरत हो, हर चीज़ हो, लेकिन जब हमारी ज़िंदगी में खुदा नहीं, खुदा का बेटा नहीं, तो हमारी ज़िंदगियाँ बेकार हैं। हमारी ज़िंदगियों में हर चीज़ की कमी होते हुए भी हम खुदा को अपनी ज़िंदगी में खुदा के हजूर खुद को सरेंडर करें, खुदा को अपना नजात दहिंदा माने, खुदा को अपना अबदी बाप माने, क्योंकि खुदा जो है हमसे बहुत मोहब्बत करे। हमें उसकी मोहब्बत को देखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। अपने जहनों को खोलें, अपने दिलों को साफ करें। दुनिया में रहते हुए बेशक ये इंसान होते हुए हम गुनहगार हैं, लेकिन खुदा हमसे मोहब्बत करें। खुदा की उस मोहब्बत को आप अपने दिल में रखें, उसको दूसरों तक शेयर करें, अपने लहजों से, अपने रवैयों से, अपने रवैयों को बदलें। अगर आप किसी से नाराज़ हैं तो खुदा के हजूर खुद को सरेंडर करें, उससे माफ़ी मांगे, उससे सुलह करें, क्योंकि खुदा सुलह सलामती का शहजादा है। वो नहीं चाहता कि हम एक दूसरे से नाराज़ रहें। खुदा के कलाम में लिखा है कि सूर्य ढलने से पहले तेरी खफगी जाती रहे। अगर हम खुदा के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें तो खुदा के कलाम में ये भी लिखा है, ऐ बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। हम खुदा के पास जाएं तो खुदा क्यों नहीं हमें आराम देगा, हमारी परेशानियां फिक्रें क्यों नहीं अपने ऊपर लेगा। जब हम खुदा को अपनी ज़िंदगी में रखेंगे तो खुदा हमें कभी अकेला और तन्हा नहीं छोड़ेगा। ये खुदा की ख़ास ब्लेसिंग है, खुदा का ख़ास फजल है जो खुदा का हम पर हुआ है।
और हमें खुदा के कलाम के मुताबिक हर हाल में शुक्रगुजारी करनी है।